नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए आप सबका शुक्रिया। मेरा नाम है विभा और दरोगाजी.com पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मी 5 के अपग्रेडेड वेरिएंट मी 6 को 2017 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च करने के बारे में कई खबरें सामने आई हैं, लेकिन लॉन्च से पहले ही मी 6 के स्पेसिफिकेशंस और प्राइस की जानकारी लीक हुई है और ऐसी भी खबर आई है कि मी 6 का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। कंपनी इस मी 6 स्मार्टफोन का दो वेरिएंट लॉन्च कर सकती है। इसका एक वेरिएंट मी 6 फ्लैट स्क्रीन के साथ आ सकता है, जबकि दूसरा वेरिएंट यानी कि मी 6 प्रो ड्यूअल कर्व स्क्रीन के साथ आ सकता है और इसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये के आसपास हो सकती है, जबकि इसके पहले वेरिएंट यानी कि मी 6 की कीमत 20,000 रुपए की हो सकती है। और रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी फ्लैट स्क्रीन वेरिएंट में एलसीडी पैनल का इस्तेमाल कर सकती है, जबकि ड्यूअल कर्व स्क्रीन में कंपनी ओलेड स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकती है और यहाँ पर हमें 5.2 इंच का 4K डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। लीक्ड हुए स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक मी 6 में 4GB रैम के साथ 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज दी होगी। इसे माइक्रो SD कार्ड के थ्रू बढ़ाया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में अब तक तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज दी है जो कि सफिशियंट है, कम नहीं है। इसके अलावा इसमें 12 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा f1.8 अपर्चर के साथ दिया होगा और एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर और 4000mAh की नॉन रिमूवेबल बड़ी बैटरी दी होगी। इस फोन में फास्ट चार्जिंग के लिए क्वालकॉम किक चार्ज 4.0 टेक्नोलॉजी दी जा सकती है। मी 6 और मी 6 प्रो में स्क्रीन के अलावा रैम में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि मी 6 प्रो में 6GB रैम के साथ 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज हो सकती है। इसके अलावा मी 6 प्रो के फिजिकल होम बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर इंटीग्रेटेड हो सकता है, यानी कि इसके फ्रंट साइड में सामने की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर का फीचर्स दिया होगा। तो दोस्तों, ये थे मी 6 के कुछ स्पेसिफिकेशंस। हालांकि मी 5 की तरह मी 6 भी अच्छे स्पेसिफिकेशन वाला एक मिड रेंज स्मार्टफोन है और 20,000 से 25,000 के प्राइस रेंज में इसके स्पेसिफिकेशन भी अच्छे खासे हैं और ये फोन इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के साथ मार्केट में हिट भी हो सकता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड कमेंट करने के साथ ही हमें सब्सक्राइब करना ना भूले एंड इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।